उसका मेरे को सवाल मिलेगा क्योंकि उस वक्त मैं अल्लाह को मानता रसूल आपको मानता उस वक्त की बात मैं ईमान नहीं लाया लेकिन मैंने बहुत अच्छा काम किया अल्लाह के मुझे सवाल मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बताओ तो सही क्या किया बताओ तो पता चले कि भाई सवाल मिलेगा कि नहीं मिलेगा सुनना हजरत साहब के आंखों में आंसू थे क्या फरमाया मालूम है मेरे दोस्तों हमारा दिल भी नहीं जा गया अगर साथ साथ में क्या करना आया अल्लाह के रसूल मेरी दो उंगली गुम हो गई थी बहुत पे जब एक बार लाया देखिए उंगली गुम हो गई दो और दोनों जवान उंगली और दोनों घाबर उंगली अरे उंगली भी दोनों घाबर अरे पेट में बच्चा और जवान और घाबर उंगली से हर मालिक को मोहब्बत होती है इससे नस्ल चलती जाएगी मेरा माल बढ़ता जाएगा वो जमाने में ऊँटों का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस समझा जाता था कहा मेरी दो उंगली और दोनों जवान और दोनों घाबर गुम हो गई तो हजरत आता कहते मैं बहुत मानता था मैं अपने जवान ऊँट के ऊपर बैठा अब मुझे किसी ने बताया कि वो ये एरिया में गई है हमने ये एरिया में सुबह में जाते हुए देखा था अब मालूम नहीं ये एरिया में कहाँ गई होगी तो हजरत सासा फरमाते मैं अपने जवान ऊँट पर बैठा इसको ढूंढने के लिए जा रहा हूँ जल्दी बोलो ताकि समझ में आ गई इसको ढूंढने के लिए जा रहा हूँ दो उठनी जवान उठनी घाबर उठनी हाँ उनको ढूंढने के लिए जा रहा था वो इलाके में गया 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 मेरे ऊँट को दौड़ाता गया चिमचिला की गर्मी मुझे पसीना होता गया कहते अचानक मैंने देखा कि एक झोपड़ा है और झोपड़े के बाहर एक बूढ़े मियाँ बैठे एक झोपड़ा दिखा वो जंगल में और बाहर एक बूढ़े मियाँ देखे तो जाहिर बात है भगवान साथ साथ उतरे अपने ऊँट से और कहने लगे बूढ़े मियाँ मैं दो उंगली ढूंढा मेरी दो उंगली जवान वो कहीं गुम हो गए तो आपको नजर आए क्योंकि लोगों ने जो एरिया बताया वो यही एरिया बताया कि ये एरिया में सुबह में गई थी अब तो शाम हो गई लेकिन मालूम नहीं वो उठनी मेरे को अब तक मिली नहीं तो वो जो बाहर बूढ़ा बैठा था मैं निशानी बताऊ निशानी बता दी कि वो उठने की ये निशानी है वो जवान है वो काबर है उसका ऐसा कलर है ऐसा पाव है वो जमाने में जो निशानी बता ली वो प्रेग्नेंट औरत होगी तो बच्चा होगा और बाहर से बूढ़ा पूछता है लड़का हुआ कि लड़की लड़का आवे तो मुबारकबादी लड़की आवे तो अरे बोलो ना जमीन में दफन करते खट्टा खोद के रखा ये पुराने करीब में लिखा है कि उस जमाने में लड़की की खबर हुई है तो चेहरा काला काला हो जाए लड़की नहीं चाहिए उसको जमीन में काट दो जिंदा दलगोर जमीन में दफन कर दो हमको उसका चेहरा भी नहीं देखना अल्लाह ने पुराने करीब में फरमाया वहीदा कुशवा अहदुहुम बिलुनफा वल्लवजुहु सच्ची में करोगे हाँ करूंगा तो लड़की को अभी लाया जाएगा और यहाँ पे दफन मेरे को तो अपने हाथों से कर दूंगा और क्या नाम मदर हालत ईमान वाले नहीं क्या कहते मालूम वो दो जो उंगली है ना तू ले दे दो उंगली तू ले वो लड़की मेरे को दे दे वो लड़की मेरे को दे दे मैं उसको पा लूंगा तो बुढ़ा क्या कर रहा है वो दो उंगली से काम नहीं चलेगा तू जो ऊँट पे बैठा है वो भी दे दे दो खाबर उठनी और एक जवान ऊँट जिस पर तू बैठा तीनों दे दे मैं लड़की तेरे हवाले करूंगा तो अगर सात साल ने कहा दो शर्तें पहले लड़की मेरे हाथ में दे दे और दूसरी शर्त है कि ऊँट तू तेरी तरफ से दे दे मैं किराया दूंगा खाली मेरे घर तक मुझे छोड़ दे क्योंकि मैं बहुत दूर निकल के आ रहा हूँ
हो, उसने लड़की हाथ में दे दी, किराए का ऊंट दे दिया, किराए के पैसे दे दिए, अगर साथ साथ में घर में गए और वो ऊंट वापस कर दिया तो किराए का ऊंट था। और लड़की ने कहा घर में औरत से पूछा, घर में दीदी ने पूछा ये क्या, जान बचाया हूँ, ऐसी कितनी लड़कियां होगी जिसको जमीन में दफन किया जाता होगा और उनका क्या कसूर होगा। अरे भाई लड़की पैदा भी देने वाला कौन है, अल्लाह, सीधा उसको जमीन में दफन कर दिया, वो लड़की का कसूर क्या होगा। इसीलिए अल्लाह की फरमाते कयामत में मैं उन माँ बाप को बुलाऊंगा जिन्होंने लड़कियों को जिंदा दफन किया होगा, मैं सिर्फ ये पूछूंगा कि तुमने लड़की को दफन किया उसका कसूर क्या था। फिर उसको आज हम अपनी बच्ची से कितनी मोहब्बत करते हैं। अरे अल्लाह के रसूल अपनी बेटी को कहिए, अपनी बेटी ज़ैनब, अपनी बेटियों में कुलसुम, अपनी बेटी फातिमा, हम अपनी बच्चियों से कितनी मोहब्बत, हम अपनी नवासियों से कितनी मोहब्बत, अपनी पोती पोतियों से कितनी मोहब्बत करते हैं। तो बस वो अगर साथ साथ कहते अपनी बीवी को कहते ये लड़की तो बड़ी हो गई, ये मुझे बाप समझती है, तुझे बाप समझती है, लेकिन ऐसी कितनी लड़की होगी जिसको जिंदा दफन किया जाता होगा। अल्लाह ने जिसको फरमाया को जगा दिया। बोलो और दूसरा सवाल हमारे नबी ने फरमाया मैं नहीं बताऊंगा कि इतनी बड़ी नेकी है कि मुस्तफा नहीं बताएंगे, अल्लाह ही बताएंगे और इतना देंगे कि उसको कोई गिन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई सोच नहीं सकता, अल्लाह इतना ही नाम तुझे देंगे। मेरे प्यारो लहरों की बच्ची ऊपर काम किया, अल्लाह कोई नाम देने वाले जो मुस्तफा बयान नहीं करते, ईमान जीत जाता। हम लोग बीवी पर जुल्म, पड़ोसी को गाली गलौज, हमारी जबान गंदी, हमारा व्यवहार गंदा, हमारा मामला गंदा, हम लोगों को कितनी तकलीफ पहुंचाते। भाई कभी किसी को पूछा हमने, हम तो मौला हज भी करते ना उमरा, हो कोई उमरे पे जाता हूँ, अभी देखना अभी हज का सीजन खत्म हुआ ना, अब दुबई में लोग उमरे में जाएंगे। अच्छा उसको कहीं कहेगा अरे तो उमरे में जाता वो आदमी से तो कितने जमाने से बात नहीं करता, अगर आप उससे बात तो कर ले तो क्या करेगा मालूम, जाएगा उसके घर के पास, ओ भाई उमरे पे जा रहा हूँ माफ करना, माफी हो उसके 10,000 रुपये को जरा माफी हो गई, माफी हो गई, चलते चलते भाई उमरा पर चढ़ चुका माफ कर दो, मेरी तकलीफ पहुंची हो पूछ ले मेरे क्या क्या तकलीफ पहुंचे, पूछ क्या तकलीफ पहुंचे, ऐसा बोलने से माफी ये ऐसी माफी पे और 100 माफी मांगने की जरूरत है, ये जिस माफी से और भी सामने वाले का दिल दुखे। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन थे कि नहीं थे, अरे बोलो थे कि नहीं अमीरुल मोमिनीन, और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीने में है 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करने वाले हजरत उमर, जिनके बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, डंके की चोट पर फरमाया था हमारे नबी ने फरमाया मेरे पास कोई नबी आने वाला अगर अल्लाह किसी को
नबी बनाते तो उमर को नबी बनाते, वो हजरत उमर मदीने से मक्का में उमरा के, वो क्या करते हम भी जाते ना उमरा से पहले माफी मांगते, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो हजरत उमर कहाँ से आ रहे बोलो, मदीने से। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले एक बादशाह है, एक हुकूमत वाले है, एक सुल्तान है, आए मक्का है। चलो मक्के में उमरा करना, और उमरे में आपको मालूम है कि काबे के पास जाके तवाफ करना, काबे के पास जाके तवाफ करना, उमरा करना। तो काबे पर जाने से पहले हजरत उमर के लिए एक छावनी बनेगी, एक छावनी बनाई गई थी, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन आएंगे, उनके साथी आएंगे, यहाँ के गुसल उसल करेंगे, और गुसल करने के बाद फिर उमरा शुरू करेंगे। और अमीरुल मोमिनीन ने 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करते, अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ बहुत ज्यादा साथी भी आएंगे। अब हजरत उमर जैसे वो छावनी में गए, उमरे में दो चादर होती है ना, एक ऊपर और एक, तो हजरत उमर ने अपने ऊपर वाली चादर पे ऐसी खिली रखी हुई, उठा उठा बोलते ना वो लड़का, उसके ऊपर कबूतर बैठा, फिर उसके ऊपर और बैठा है कबूतर। हजरत उमर ने अपना ऊपर वाला एहराम निकाला, कबूतर चुप 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 क्यों हटाया, और अपना ऊपर वाली चादर बोलो बोलो ऊपर वाली चादर, वो कबूतर को छू छू किया तो कबूतर फड़फड़ाता हुआ नीचे गया, नीचे कोई सांप था उसने डस लिया, और कबूतर तड़प तड़प के बोलो हजरत उमर ने अमीर मोमिनीन बादशाह थे, हम होते तो क्या करेंगे, सांप को मारो 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 सांप को मारो, और ये जो मर गया कबूतर फेंको उसको। अगर उमर वहीं बैठ के इतना रो इतना रो, तुम्हारे को सब जमा क्या हुआ, कल कयामत में अल्लाह को जीवन कबूतर की जान की दुनिया में क्या जगह, सबने कहा आपने नहीं मारा, आपने तो उसको सिर्फ हटाया, मैं हटाया तो वो नीचे गया, वो खूंटे पर बैठा था, मैंने हटाया तो वो नीचे गया, नीचे गया तो सांप ने उसको डसा, वरना ये खूंटे पर होता हो सकता उसकी जान न जाती, तो उसका मारने वाला तो खुद उमर है। इतनी माफी तलाफी और रोने धोने के बाद अब तवाफ करने गए हैं, और हम लोग चलते चलते भाई माफ कर दो रोते हैं, ये बातें आपको समझ में आ रही, सब बातें समझ में आ रही है। और सबसे ज्यादा अगर हम मेरे दोस्तों की दुखाते हैं ना, माफ करना नहीं प्यारो, अपनी माफ माफ किया हाँ या नहीं बोलो ना, खुश है। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा, माँ से ज्यादा मोहब्बत है मोबाइल से, माँ से झूठ बोलते, माँ को दिन में कितनी मरतबा पूछते हो, अम्मा सर उठता है, अम्मा सर दबा दू, अम्मा पाँव दबा दू, अम्मा दवा पिला दू, अम्मा आराम कर लें, कितनी मरतबा दिन में बोलते हैं, और मोबाइल का इस्तेमाल कितनी मरतबा करें, मोबाइल अगर गुम हो जाए, सिर्फ गुम हो जाए थोड़ी देर के लिए, आपने देखा कभी मोबाइल, अब माँ की बात नहीं, उसका कोई अटैक नहीं है, माँ का सर टूटता है तेरे कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरी बात के लिए तैयार है, किसी का हक बाकी है हम अदा कर सकते हैं, तो हम अदा करेंगे इंशाल्लाह अपनी समाज की बात। अरे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया सबसे अच्छा मुसलमान कौन, सबसे पक्का मुसलमान कौन, हमारे नबी ने ये नहीं फरमाया कि रातों के तहज्जुद पढ़े, अरे पूरे गरीब मिस्कीन यतीम बेवाला चार मजबूर को दे देवे, अरे वो रोजे पे रोजे रखे, रमजान के भी रखे, दूसरे रोजे भी रखे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया कामिल मुकम्मल मुसलमान कौन, हमारे नबी ने क्या फरमाया, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه هذا لفظ البخاري امام النبي نے بتایا کامل مکمل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے پھر بولو جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف तो बने के हाथ से कामिल मुकम्मल मुसलमान तो नहीं इंशाल्लाह। तो पहला काम मैंने आपको बताया, क्या रोजाना पढ़ेंगे, कितनी देर 24 घंटे काम का रहता है, आधा घंटा नहीं तो 20 मिनट बोलो पढ़ेंगे नहीं इंशाल्लाह, नहीं आता होगा, नहीं पढ़ने नहीं आता, पढ़ने नहीं आता, अरे यहाँ डबोल माशाल्लाह बहुत दूर है, बहुत बुरा है, बहुत से रुपए, बहुत से नॉलेज वाले है, अरे चला जाना उसको
और कहते हैं कि देख मेरे पास जितना बनेगा मैं तेरे को महीने में दे दूंगा, मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं, लेकिन मेरे को रोजाना थोड़ा कुरान पढ़ा देना, सिर्फ 10 मिनट पढ़ा देना, तू जो 10 मिनट पढ़ाएगा मैं 10 मिनट अकेले जाके पढ़ूंगा। मेरे दोस्तों पढ़ते पढ़ते मौत आ गई, इंशाल्लाह हाफिजों के साथ कयामत के खराब होगा। करेंगे बोलो करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरा काम अगर किसी को तकलीफ पहुंचाए तो सबसे ज्यादा किससे माफी मांगो, आज हमारी नहीं है तो आपको बड़ा दुख के मिले, क्या करते हैं कब्र पे जाते हैं बयान के लिए आ जाते। वो एक जमाना था कि बयान के लिए निकलते तो माँ की दुआ लेके निकलते थे, माँ अपना हाथ हमारे सर पर रखती थी, फिर हम जाते थे तो हमको एक सपोर्ट मिलता था, हमें बड़े सपोर्ट के साथ जा रहे हैं। आज वो माँ नहीं है मेरे घर, आपकी अम्मा आपके अप्पा भी चले जाएंगे। अल्लाह की कसम होती है बहुत अजीब फील होता है जब माँ का जनाजा उठाना पड़ता है, अब्बा का जनाजा उठाना पड़ता है, और मैं कहता आगे को नमाज पढ़ो, क्या अम्मा के जनाजे की नमाज पढ़ा, क्या अब्बा के जनाजे की नमाज पढ़ा, अली की नमाज पढ़ाई, हजारों लोगों ने हमारी मुलाकात की, लेकिन हम कैसे घर जाएंगे, वो क्या ईद होगी क्या माँ की दिल, वो क्या ईद होगी क्या अब्बा की दिल के मेरे प्यारो। इसलिए माँ बाप की कदर कर लो, माँ के कदमों के नीचे चंदन के और बाप चंदन का दरवाजा, इसको याद रखते हुए माँ कड़वा कसीला बोले अब्बा भी बोलता है, बर्दाश्त कर लो ना बर्दाश्त कर लो मेरे प्यारो, यहाँ बर्दाश्त करते जाओगे वहाँ चंदन के चंदन के नीचे चली जाएगी। तो ये दूसरा काम लोगों के साथ नरमी का काम करो, बोलो करोगे इंशाअल्लाह। बीवी के साथ बच्चे, आजकल बच्चे बाप का नहीं मानते, क्यों नहीं मानते, मानो बाप की जबान में तुछड़ा ही बता देंगे। अरे जवान हो गया ना बेटा, जवान हो गया ठीक था, अरे 12 साल का था तूने उसको धक्का दिया, अरे 13 साल का था तूने थप्पड़ मारा, अब जवान हो गया, वो भी 18-20 साल का है, शादी की उम्र का हो गया है वो, अब उसके साथ दोस्ती कर लेना, दोस्ती कर लेना प्यार, उसको ऐसा बोलेगा नमाज नहीं पढ़ता है तो ऐसा करता है, और बिगड़ेगा प्यार मोहब्बत के साथ, एक तरह बेटा काम करता है उसी का कुछ पड़ जाएगा, बेटा आप तो तेरी उम्र होगी कब तो शादी हो जाएगी, या चलो शादी हो गई तो तेरी बीवी है तेरे बच्चे नमाज पढ़ लेना बेटा, अब वो पढ़े न पढ़े उसकी मर्जी, लेकिन अल्लाह फरमाते तू नमाजी बना, तेरे घर वालों को तूने नमाजी बनाने की फिक्र कर दी, अल्लाह कहता फिक्र मत करना, अब रोजी भर भर के हम तेरे दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। सबके साथ नरमी वाला बर्ताव करना, दो बातें हो रही हो, आखिरी बात नमाज पढ़ेंगे सब लोग इंशाल्लाह। देखो ये बात बता के बात खत्म नहीं की, बहुत पते की बात है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हुए, पहली रात को तैयार हो गए, इब्राहिम अपने बेटे के गले में छुरी चलाओ, आप उठे छुरी नहीं और चलाया, आप सोचो वो रात से लेके दूसरी रात 24 घंटे आप कितना रोए होंगे, क्योंकि अल्लाह ने तो कह दिया था, बार बार अपने बेटे को देखते हैं, अच्छा बेटा कितना खूबसूरत होगा, क्योंकि वो बेटे का नाम इस्माइल जो आगे नबी बनने वाला, और अल्लाह ने हर नबी को चांद का टुकड़ा बनाया है, तो बेटा कितना खूबसूरत होगा, आप क्या दुआ मांगते हैं, अल्लाह आपको अपने घर के मेरे बेटा 7 साल का मैं गले में छुरी चला, अल्लाह मेरे बच्चे का कसूर क्या गले में किया अल्लाह मेरे बच्चे, अच्छा बताओ वो 24 घंटे आपने खाना खाया होगा पेट में, आपने पानी पिया होगा, आपने बीवी से रस्सी बंधा किया होगा, अच्छा दूसरी रात को जैसे आँख लगी, आँख भी अल्लाह ही लगाने वाला, आपकी जैसे आँख लगी फौरन फिर अल्लाह का हुक्म आया अपने बेटे के गले में छुरी चला, फिर दूसरी रात को फिर छुरी चले, अरे बोलो छुरी चले नहीं, वो 24 घंटे आपने कैसा गुजारा होगा, 48 घंटे आपने कैसे गुजारे होंगे, कितना रोए होंगे अल्लाह के साथ, कितनी मरतबा इस्माइल को गले लगा लगा के रोए होंगे, अगर इस्माइल को बताया तो नहीं करना, लेकिन रोए होंगे, अपनी बीवी पूछती होगी बार बार आप क्यों रोते, इस्माइल को गले क्यों लगाते, क्या हुआ, वो बेचारे अपने दिल में गम बताते गए बसाते गए, और उसके बाद में 48 घंटे हो गए, फिर आँख लगी तीसरी रात, अल्लाह फरमाते मेरा हुक्म नहीं मानोगे, दो रातें हो गई बेटे के गले पे छुरी नहीं चलाओगे, अब जाके छुरी ली और सुबह में हजरत इस्माइल को लेकर गए, मेरे प्यारो कितना मुश्किल काम है, बोलो बोलो साथ में बोलो कितनी मतलब मैं सही काम है, और काम आसान था मुश्किल था, बहुत मुश्किल था,
कुरान करीम में जिसको मुश्किल कहा वो कितना मुश्किल होगा, क्योंकि जब अंदर ही वो जो हम पांच रिवायतों में पढ़ते हजरत इब्राहिम पर क्या गुजरी होगी जब इस्माइल को निकाले गए ना निकाले गए, तो इस्माइल ने पूछा आप अभी पूरे कुरान में सराह कर लगा कर पूरा मजमा बोले नमाज का हुक्म कितनी मतलब आबाद नहीं है कितनी मतलब 500 और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत मिली बोलो कौन से साल 40 में और आपका विशाल मुबारक हुआ 63 कितने साल में 23 साल में हमारे नबी ने अपनी उम्मत को 7000 मर्तबा कहा के नमाज पढ़ 7000 मर्तबा हमारे नबी ने कहा नमाज पढ़ो यहाँ तक कि जब आपका विशाल मुबारक होने वाला आपने फरमाया अस्सलाह अस्सलाह वमा मलकत ईमानुकुम नमाज मत छोड़ना मेरे उम्मती नमाज मत छोड़ना मेरे उम्मती नमाज मत छोड़ना 7000 मर्तबा मुस्तफा कहे नमाज पढ़ो अल्लाह 500 मर्तबा कहे नमाज पढ़ो 7500 मर्तबा मिल मिलाकर 7500